Hello students, this is chapter 1, Matter in our Surroundings, class 9th, Science. इस वीडियो में मैं आपके साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और दूसरे जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगी ताकि आप इजीली उनको समझ सकें और फिर याद कर सकें टेस्ट के लिए. सबसे पहले पेज नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. मैटर होता क्या है? सबसे पहले तो दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जिसमें मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर बोलते हैं. बेसिकली इसमें पार्टिकल्स होते हैं. तो जैसे सबसे पहले आंसर में क्या लिखा हुआ है, चेयर. चेयर में भी पार्टिकल्स होते हैं, एयर में भी पार्टिकल्स होते हैं, आलमंड्स मतलब बादाम उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं, एंड कोल्ड ड्रिंक उसमें भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मास हो किसी भी चीज़ का और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम मैटर बोल देते हैं. तो ये चारों ऑप्शंस जो हैं इसमें आएंगे. बाकी जो है इसमें लव, स्मेल, हेट, ये सब फीलिंग्स हैं. इसमें कोई पार्टिकल वगैरह नहीं होता. स्मेल ऑफ परफ्यूम इसमें भी, थॉट में भी. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. मतलब ये नीचे ऑब्जर्वेशन दी हुई है, इनका रीज़न बताना हमें. द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. इसका मतलब है कि जो हॉट सिजलिंग फूड, जो खाना होता है गर्म, उसकी स्मेल हमें दूर तक आ जाती है, सेवरल मीटर्स अवे दूर तक आ जाती है, लेकिन जो ठंडा खाना होता है, कोल्ड फूड होता है, वो पास जाके भी नहीं आती उसकी स्मेल. ऐसा क्यों होता है? हाँ जी, तो इसका आंसर है, सॉलिड्स डिफ्यूज एट अ वेरी स्लो रेट. सबसे पहले जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ही कम रेट पे, मतलब धीरे जो है वो डिफ्यूज़ करते हैं, मूव करते हैं. बट इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, लेकिन अगर उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दें, हम इंक्रीज़ कर दें, देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इन टू एयर इंक्रीजेज. तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, मतलब जाने का जो रेट होता है वो क्या होएगा, वो भी बढ़ जाएगा. टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ डिफ्यूजन भी, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है. दिस इज़ ड्यू टू एन इंक्रीज़ इन द कैनेटिक एनर्जी. ये होता क्यों है? क्योंकि जो उसकी कैनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है. कैनेटिक एनर्जी कब आती है? जब कोई भी चीज़ मोशन में होती है, मतलब चलती होती है, तो उसको कैनेटिक एनर्जी बोलते हैं. हैंस द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज अस इवन एट अ डिस्टेंस. इस वजह से जो गर्म खाना होता है वो हमें मीलों तक, अगर हम थोड़ा दूर भी हों उससे, तो भी हमारे तक पहुँच जाती है उसकी स्मेल. बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड वी हैव टू गो क्लोज. लेकिन जो कोल्ड फूड होता है उसके पास जाएंगे तभी हमें उसकी स्मेल आएगी, कई बार वो भी नहीं आती. थर्ड क्वेश्चन, अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल. डाइवर क्या होता है? सबसे पहले तो डाइवर होता है गोताखोर, हिंदी में बोलते हैं हम उसको, जो पानी में तैरते हैं बेसिकली. सो इट इज़ ही इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर, मतलब वो पानी को चीरता हुआ स्विमिंग पूल में जाता है. विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो. इसमें मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? सो द आंसर इज, दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेसिस. इससे ये पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेसिस प्रेजेंट हैं. द इंटरमोलिकुलर स्पेसिस इन द लिक्विड्स इज फेयर इनफ टू लेट द डाइवर पास थ्रू इट. मतलब उसमें सिर्फ उतनी ही स्पेसिस हैं कि जिसमें से वो पास कर सकता है ईजीली. हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the characteristics of particles of matter? मतलब जो matter है उसके जो particles होते हैं उसकी क्या विशेषता है? Answer is, the characteristics of particles of matter are, सबसे पहला तो particles of matter have spaces between them, उसमें खाली जगह present होती है. Second, particles of matter are continuously moving, वो continuously लगातार move करते होते हैं. Third, particles of matter attract each other, एक दूसरे को वो attract करते हैं. तो ये तीन उसके characteristics हैं, विशेषता हैं. इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 1, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. मतलब डेंसिटी की क्या डिफाइन होती है? मास अपॉन वॉल्यूम. अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, मतलब इसको, ये जो हमें ऑर्डर दिया हुआ है आगे, इसको हमने इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में लगाना है, अरेंज करना है. क्या क्या दिया हुआ है? एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी. एयर का मतलब होता है हवा. एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी मतलब जो चिमनी में से धुआं निकलता है उसकी बात करी हुई है. हनी, शहद, वाटर, चॉक, कॉटन और आयरन. सो द आंसर इज एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, देन उसके बाद आएगा देन कॉटन, वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन. इसको ऐसे ऑर्डर में क्यों अरेंज करा हुआ है?
क्योंकि जो डेंसिटी का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम ज़्यादा होएगी तो डेंसिटी कम होएगी, बिकॉज़ ये दोनों क्या है, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर मास ज़्यादा होए, मास जैसे इसमें डेंसिटी कम है तो उस अकॉर्डिंग मास भी क्या होएगा, कम होएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरेंज करना था इसको डेंसिटी के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में सबसे पहले आ जाएगा एयर, देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, देन कॉटन, वाटर, हनी, चॉक और आयरन। इसको हमने ऐसे क्यों अरेंज करा है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू हाँ जी, देखते हैं इसके आंसर में क्या है। सबसे पहले सो द आंसर इज एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, देन उसके बाद आएगा देन कॉटन, वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन। इसको ऐसे ऑर्डर में क्यों अरेंज करा हुआ है, क्योंकि जो डेंसिटी का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होएगी तो डेंसिटी कम होएगी, बिकॉज ये दोनों क्या है, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर मास ज़्यादा होए, मास जैसे इसमें डेंसिटी कम है तो उस अकॉर्डिंग मास भी क्या होएगा, कम होएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अगर एक इंक्रीज़ करती है दूसरी भी इंक्रीज़ करती है, और अगर दूसरी डिक्रीज़ करती है तो पहले वाली भी डिक्रीज़ करती है। लेकिन जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे कि डेंसिटी और वॉल्यूम, अगर एक चीज़ डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी इंक्रीज़ करेगी, बिकॉज ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उस अकॉर्डिंग ये सारा ऑर्डर बना हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं हमें पता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उन्होंने बोला कि एक टेबल के थ्रू इनके डिफरेंसेस बताओ, क्या क्या इनमें करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है इसमें शेप, वॉल्यूम, देन शेप पता है आपको, वॉल्यूम भी पता है, रिजिडिटी और फ्लूडिटी क्या होती है। रिजिडिटी मतलब वो कितना ज़्यादा ठोस है कोई चीज़ उसमें, या फिर उसमें कितनी ज़्यादा फ्लूडिटी है, मतलब पानी कितना होता है। उसके बाद आ गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कौन कौन सी होती हैं, देन इंटरमोलिकुलर स्पेस कितनी होती है, जगह कितनी है खाली, उसमें कंप्रेसिबिलिटी, हम उसको कितना दबा सकते हैं। तो ये पहला पार्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये उसका आंसर है, सिर्फ सेकेंड वाला अलग से है। तो सबसे पहले आता है सॉलिड में, शेप जो होती है सॉलिड की वो फिक्स्ड होती है, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, गैस की भी फिक्स नहीं होती। वॉल्यूम सॉलिड में फिक्स्ड है, लिक्विड में भी फिक्स्ड है, गैस में नो फिक्स्ड वॉल्यूम। रिजिडिटी, सॉलिड जैसे रिजिड होता है क्योंकि वो ठोस बना हुआ है, देन उसके बाद वो फ्लो नहीं कर सकता, लिक्विड थोड़ा सा फ्लो करता है, जैसे पानी की बात करें तो रिजिड नहीं होता वो, देन गैस जो है वो फ्लो कर सकती है बट नॉट रिजिड। फोर्सेस सबसे ज़्यादा सॉलिड में है, तभी वो पार्टिकल्स आपस में जोड़ के रखती है और कोई चीज़ है वो उसको सॉलिड बनाती है। इसमें लेस देन सॉलिड्स होती है और इसमें वेरी लेस। इंटरमॉलिकुलर स्पेस इसमें कम होएगी क्योंकि आपस में जोड़ा हो उन्होंने, इसमें सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा होएगी और इसमें गैस से कम होगी। देन उसके बाद आ गया कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल होती है, लिक्विड को कर सकते हैं, कंप्रेसिबल है, देन हाईली कंप्रेसिबल, गैस को बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। सो सेकेंड पार्ट उसने पूछा हुआ है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, मतलब अलग अलग उसने टर्म्स दी हुई है, इनकी डिफाइंस लिखनी है। जैसे फर्स्ट है रिजिडिटी, जो मैंने अभी बताया, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, फ्लूडिटी क्या होती है, अब अलग से इनकी डिफाइंस पूछी हुई है, फीलिंग अ गैस कंटेनर, देन उसके बाद उसकी शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी। तो इन सब के बारे में हम एक वन बाय वन पढ़ेंगे। बी पार्ट में क्या था, रिजिडिटी सबसे पहले इसकी डिफाइन, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू रिजिस्ट द चेंज ऑफ इट्स शेप, मतलब इसकी शेप जो है वो चेंज होने से रोकने को हम क्या बोलते हैं, रिजिस्ट करना, उसको रोकना, मतलब मैटर की वो प्रॉपर्टी जो इसकी शेप को चेंज ना होने दे। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच इट्स वॉल्यूम इज़ डिक्रीज बाय अप्लाइंग द फोर्स, मतलब जब भी हम जोर लगाते हैं तो उसकी वॉल्यूम जो है वो कम हो जाती है। फ्लूडिटी, इट इज़ एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लो, कोई भी चीज़ जैसे फ्लो करती है, जैसे पानी है तो वो फ्लो करेगा, तो वो इसकी एबिलिटी होती है। नेक्स्ट फिलिंग अ गैस कंटेनर, ऑन फिलिंग अ गैस टेक्स द शेप ऑफ अ कंटेनर, मतलब अगर हम किसी भी चीज़ में गैस फिल करें तो उसकी शेप बिल्कुल वैसी बन जाती है। शेप,
हैविंग डेफिनेट बाउंड्रीज, जिसकी प्रॉपर बाउंड्रीज होती है। जैसे अगर हमने एक स्क्वायर भी लिया तो इसकी एक बाउंड्री है। कैनेटिक एनर्जी, इट इज़ एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू इट्स मोशन। मैंने पहले भी बताया था कि कैनेटिक एनर्जी कब आती है, जब भी कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैनेटिक एनर्जी। डेंसिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास विद पर यूनिट वॉल्यूम। अगेन वही फॉर्मूला आ गया डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, नंबर थर्ड, गिव रीजंस। फर्स्ट पार्ट इज अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। मतलब कि जिस भी वेसल में गैस को रखा जाता है, डाला जाता है, फिल करा जाता है, तो वो कम्प्लीट हो जाती है जिसमें भी इसको रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। मतलब जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वो हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। द गैस फिल्स द वेसल कम्प्लीटली इन विच इट इज़ केप्ट। इसलिए जो गैस को हम जिस भी वेसल में डालते हैं तो वो उसको कम्प्लीटली फिल कर देती है। नेक्स्ट पार्ट है, अ गैस एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब जो गैस होती है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। जैसे कि एक कंटेनर है, उसके बीच में गैस पड़ी हुई है, यहाँ पे उसके पार्टिकल्स हैं। मतलब तो ये जो पार्टिकल्स होंगे अगर ज़्यादा होंगे तो वॉल्स के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे अंदर से। सो द पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वो रैंडमली मतलब इधर उधर मूव करते हैं हाई स्पीड पे हर एक डायरेक्शन में। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर। इसके कारण जो पार्टिकल्स हैं आपस में हिट करते, एक दूसरे को टकराते हैं एक दूसरे से, एंड ऑल्सो हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की वॉल्स को भी हिट करते हैं विद अ फोर्स, ज़्यादा फोर्सफुली करते हैं। सो देयरफॉर गैस एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसलिए जो गैस होती है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। थर्ड पार्ट इज़ अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक लकड़ी का जो टेबल होता है उसको सॉलिड ही क्यों कहते हैं? कि वुडन टेबल हैज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब सॉलिड चीज़ जो होती है उसकी शेप भी फिक्स्ड होती है, दूसरा उसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है। विच आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स होती है मेन, दस अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, इसलिए हम इसको सॉलिड बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ वी कैन ईजिली मूव आर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। जैसे कि हम अपने हाथ से हाथ को इजीली हवा में मूव कर सकते हैं, पर यही चीज़ अगर हमने किसी सॉलिड ब्लॉक के ऊपर करनी होती है लकड़ी के, तो हमें एक कराटे एक्सपर्ट चाहिए। मतलब हम उसको इजीली तोड़ नहीं सकते। क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ द एयर हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। एयर क्या है, गैशियस इन नेचर, इसलिए उसमें क्या होते हैं, लार्ज स्पेसेस होते हैं। ऑन द अदर हैंड वुड हैज़ लिटल स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। लेकिन वुड की क्या होते हैं, स्पेस कम होती है। ऑल्सो इट इज़ रिजिड, फॉर दिस रीजन वी कैन ईजिली मूव आर हैंड्स इन द एयर। अब कोई भी चीज़ रिजिड होगी तो उसको तोड़ने में उतनी ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है, इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, एक कराटे एक्सपर्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स। मतलब जो सॉलिड्स के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो लिक्विड्स में डेंसिटी थोड़ी कम होती है as compared to the solids, but you must have observed that ice floats on water. जो पर आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि आइस जो होती है वो पानी पर फ्लोट करती है, तैरती है। क्यों, वाई? आंसर इज आइस विच इज़ सॉलिड हैज़ वैकेंट स्पेसिस। सबसे पहले जो आइस है वो क्या है, सॉलिड इन नेचर। सॉलिड होने की वजह से उसमें थोड़ी सी स्पेसिस होती है, वैकेंट स्पेसिस बिटवीन द वाटर मोलिक्यूल्स, दस मेकिंग आइस लाइटर देन वाटर। अब जो थोड़ी सी स्पेसिस है उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, लाइटर देन वाटर, वाटर से थोड़ा सा हल्का होता है, इसलिए आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। नेक्स्ट पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। नीचे टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, ये सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने हैं। सबसे पहले कौन सा दिया है, 300 केल्विन। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो भी हमें दी होती है वैल्यू उसमें से 273 डिग्री सेल्सियस को हम माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 300 केल्विन, तो 300 में से 273 को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह हम टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस स्केल में, मतलब केल्विन टू सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम जो भी वैल्यू दी होगी उसको माइनस 273 कर देंगे बस उसमें से। द नेक्स्ट वन इज़ 573 केल्विन। अगेन 573 में से 273 को माइनस करा तो क्या निकल गया, 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। मतलब कि जो वाटर की फिजिकल स्टेट इन सब टेम्परेचर्स के ऊपर क्या होएगी। सबसे पहले 250 डिग्री सेल्सियस पे के ऊपर क्या होती है वाटर की फिजिकल स्टेट।
गैशियस स्टेट में वो प्रेजेंट होता है. क्यों? बिकॉज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. एक फिक्स्ड वैल्यू होती है कि जब भी पानी ने बॉयल होना है तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलना चाहिए. जब उसको ये अचीव हो गया, मिल गया, तो वो क्या करती है, बॉयल हो जाती है, गर्म हो जाती है. तो 250 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने के बाद वो गैशियस स्टेट में चली जाएगी. 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, सिंस वाटर बॉयल्स एट दिस टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले भी बताया कि जो वाटर है इस टेम्परेचर पे गर्म होता है, बॉयल होता है. दस इट कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म. इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और गैशियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट, इस टेम्परेचर पे जब उसको हीट मिल जाती है, इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, जब भी लिक्विड गैशियस में कन्वर्ट होता है तो टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है. मतलब वेपर्स बनना. तो वेपर्स कब बनते हैं, जब लिक्विड टू गैशियस फॉर्म में वो कन्वर्ट होएगा. वाटर स्टार्ट्स चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द गैशियस स्टेट, तो इस स्टेट में वो चेंज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. किसी भी सब्सटेंस के लिए जो टेम्परेचर है वो हमेशा सेम क्यों रहता है जब भी उसकी स्टेट चेंज होती है. सो द आंसर इज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की जब स्टेट चेंज होती है, द हीट सप्लाइड और रिलीज्ड, तो जो भी हीट हम सप्लाई करते हैं या फिर उसमें से निकलती है, रिलीज होती है, इज़ यूटिलाइज्ड इन द फेज चेंज. वो उसके फेज चेंज करने में हेल्पफुल होती है. फेज का मतलब जैसे सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैशियस कन्वर्ट होना है तो उसमें ही हेल्प करेगी. सच हीट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं. सो द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस रिमेंस कॉन्स्टेंट, तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, मतलब कोई ऐसा मेथड बताओ जिससे कि हम एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं. सर इज द गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स बाय ब्रिंगिंग इट्स पार्टिकल्स क्लोजर, मतलब हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम इसके पार्टिकल्स को थोड़ा पास में लेके आएंगे. सो एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड आइदर बाय, मतलब इसकी दो कंडीशंस हैं मेनली जिसकी वजह से लिक्विफाई हो जाएगा. सबसे पहले जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे. दूसरा जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे. मतलब जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना चाहिए, कम होना चाहिए, और जो प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए. इन दो कंडीशंस पे हम एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं इजीली. नेक्स्ट पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1, Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? मतलब एक जो desert cooler होता है वो ज़्यादा cool करता है, better cool करता है on a hot dry day, जब कोई भी गर्मी से भरा हुआ dry day होता है तब. क्यों? A desert cooler increases the humidity of the surrounding air. मतलब जो desert cooler होता है वो क्या करता है, surrounding air, हमारे आसपास जो हवा होती है उसकी humidity को बढ़ा देता है. Humid मतलब नमी उसमें बढ़ा देता है. So the water particles इन द एयर टेक द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, तो जितने भी एयर में वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट से क्या लेते हैं, हीट लेते हैं. हीट लेने के बाद उनको इवेपोरेट कर देते हैं, मतलब वो कूल कर जाते हैं हवा में. इन हॉट एंड ड्राई डेज द मॉइस्चर लेवल इज़ वेरी लो, जो मॉइस्चर लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है इन द एटमोसफेयर, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जिससे इवेपोरेशन का रेट जो है वो बढ़ जाता है. बिकॉज ऑफ द फास्टर इवेपोरेशन, ज़्यादा इवेपोरेशन होगी अब द कूलर वर्क्स वेल, तो वो ज़्यादा काम करने लगेगा. दैट्स वाई डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे. हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्दन पोट, मतलब जो मटका होता है कि वाटर को उसमें क्यों रखते हैं, बिकम कूल ड्यूरिंग समर्स, जब पानी को उसमें डालते हैं तो वो ठंडा क्यों रहता है समर्स में. तो इसका आंसर है देयर आर सम पोर्स इन एन अर्दन पोट, उसमें कुछ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, मतलब थ्रू विच द लिक्विड इनसाइड द पोट इवेपोरेट्स, जिसकी वजह से जो लिक्विड होता है उसमें पोट में वो इवेपोरेट कर जाता है, एयर में पास ऑन हो जाता है. सो दिस इवेपोरेशन मेक्स द वाटर इनसाइड द पोट कूल, इसकी वजह से वो बैलेंस कर लेते हैं आपस, अंदर का और बाहर के जो पार्टिकल्स हैं आपस में बैलेंस बना के उसको कूल रखते हैं. सो इन दिस वे वाटर कैप्ट इन अदर पोट बिकम्स कूल ड्यूरिंग द समर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज आर पाम फील कोल्ड, पाम का मतलब हथेली जो है हमारी ठंडी की हो जाती है, व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट. तो इसमें आंसर में क्या है, जो एसीटोन
पेट्रोल और परफ्यूम होते हैं वो भी इवेपोरेट कर जाते हैं लो टेम्परेचर में। जितने भी आंसर्स हम कर रहे हैं उन सब में मेन प्रोसेस जो हो रही है दैट इज़ इवेपोरेशन। एसीटोन पेट्रोल और परफ्यूम जब इवेपोरेट कर जाते हैं जब टेम्परेचर कम होता है, व्हेन सम एसीटोन पेट्रोल और परफ्यूम इज़ ड्रॉप्ड ऑन द पाम, जब भी हम उसको हथेली पे डालते हैं इट टेक्स हीट फ्रॉम द पाम, पाम से ये गर्मी लेता है फिर इवेपोरेट करता है जिसकी वजह से जो पाम है हमारा वो ठंडा हो जाता है, मतलब हमारी हथेली जो है वो ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप, मतलब कि जो गर्म चाय होती है या फिर दूध होता है गर्म कुछ भी वो हम एक सॉसर से इजिली क्यों पी लेते हैं देन एक कप से पीने से। मतलब सॉसर क्या होता है जो कप के नीचे की प्लेट होती है, प्लेट में अगर हम डाल के पिए तो हम इजिली उसको पी लेते हैं गर्म चीज़ को, लेकिन अगर हम कप में डाल के पिए तो वो नहीं पिया जाता, ऐसा क्यों? अ लिक्विड हैज़ अ लार्जर सरफेस एरिया इन अ सॉसर देन इन अ कप। अब जो सॉसर है वो प्लेट है बड़ी है तो जब हम उसको टी को या दूध को हम उसमें डालते हैं तो उसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल गया, कप से भी ज़्यादा मिलेगा, दस इट इवेपोरेट्स फास्टर, इसकी वजह से वो ईजिली और जल्दी इवेपोरेट होएगा एंड कूल्स फास्टर इन अ सॉसर देन इन अ कप, दस वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप, ये रीज़न है। मतलब अगेन इसमें भी क्या आएगा, इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर्स, मतलब हमें गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स, हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, क्यों? इन समर्स एज कॉटन इज़ अ गुड स्वेट एब्जॉर्बर, गुड स्वेट, गुड मतलब अच्छा, स्वेट मतलब पसीना एब्जॉर्ब करने वाला होता है, कॉटन जो होती है वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है, स्वेट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाई द कॉटन एंड इज़ एक्सपोज टू द एटमोसफियर, तो वो कॉटन ने अब क्या करा, स्वेट को पसीने को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो जो कॉटन है वो क्या है, एटमोसफेयर से एक्सपोज है, मतलब उसके कॉन्टैक्ट में है, मेकिंग इवेपोरेशन फास्टर, जिसकी वजह से इवेपोरेशन जो है वो जल्दी होती है। सो ड्यूरिंग दिस इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, जो भी लिक्विड की सर्फेस पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो एनर्जी लेते हैं हमारी बॉडी से, बॉडी सर्फेस से, और उसको कूल करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 12 एंड दीज आर द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल, मतलब सारा जो टेम्परेचर दिया हुआ है इसको हमने सेल्सियस स्केल में चेंज करना है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, 300 केल्विन है उसमें से क्या करेंगे 273 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, इसी तरह 573 है उसको भी करेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस, सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होना है। अब जो नेक्स्ट वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि फॉलोइंग टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ कि टेम्परेचर जो दिया हुआ है इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करें, तो सबसे पहले पार्ट में क्या था 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है, बस उसमें माइनस करते थे, इसमें हम क्या करेंगे उसको प्लस कर देंगे, 25 प्लस 273 सो दैट इज़ 298 केल्विन। मतलब जब हमें केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना होता है तो हम माइनस 273 करते हैं, और जब हमें सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं, 373 वाला भी सेम है प्लस 273 किया तो 646 केल्विन आ गया आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, अगेन ये भी उन्होंने दिए हुए हैं फैक्ट्स तो इसके रीजन देने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर, मतलब जो नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन की बॉल्स क्या होती हैं, जो फिनाइल की गोलियाँ होती हैं जो हम रखते हैं अलमीराज में रखते हैं या फिर बेड में रखते हैं, तो वो डिसअपीयर हो जाती है टाइम के साथ और कोई भी वहाँ पे सॉलिड पार्ट नहीं बचता उसका, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड बिकॉज ऑफ देयर दे अंडरगो सब्लिमेशन ईजिली, क्योंकि उनमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है, जब भी कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है, तो सब्लिमेशन क्या होती है, जब भी कोई चीज़ सॉलिड से गैशियस में चेंज होती है विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड, मतलब सॉलिड के बाद लिक्विड बनना चाहिए था लेकिन यहाँ पे लिक्विड नहीं बनता, सीधे क्या बन जाती है, गैस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन।
मतलब जो गोलियां होती है फिनाइल की, वो सीधा गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड की फॉर्म नहीं लेती। दैट इज़ द चेंज ऑफ स्टेट और ऑफ नेफ्थलीन बॉल फ्रॉम सॉलिड टू गैस टेक्स प्लेस ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। मतलब परफ्यूम की जो स्मेल है, अगर हम कितने भी दूर हमें तब भी आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? परफ्यूम्स हैव हाई डिग्री ऑफ वेपराइजेशन। परफ्यूम्स में जो वेपराइजेशन की डिग्री होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वेपराइजेशन क्या होता है? बेसिकली जब लिक्विड गैशियस में चेंज होता है और टेम्परेचर वहाँ पे सेम रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। एंड इट्स वेपर डिफ्यूजेज इन टू एयर ईजिली, और इसके जो वेपर्स होते हैं वो एयर में ईजिली मूव कर जाते हैं। देयरफॉर वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, इसलिए हमें परफ्यूम की स्मेल दूर बैठे भी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब नीचे तीन चीज़ें दी हुई हैं, इसको बोला हुआ है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑक्सीजन, देन वाटर एंड देन शुगर। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ऑक्सीजन में ज़्यादा होंगी, देन तो इसका ऑर्डर आ जाता है ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी शुगर में, देन वाटर में एंड देन ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। देन इज़ द 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब उतना ही ज़्यादा वो कूल होएगा। कूल होने की वजह से वो आइस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो वो सॉलिड स्टेट होगी। कैन ऑल्सो बी इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन सम कंडीशंस। नेक्स्ट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि ये उसकी बॉइलिंग टेम्परेचर का पॉइंट होता है, और गैशियस स्टेट कैन ऑल्सो बी इन लिक्विड स्टेट, इसमें भी कंडीशंस चाहिए होती हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव टू रीजंस टू जस्टिफाई। मतलब दो रीजंस बताने हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए स्टेटमेंट्स को। सबसे पहला है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। मतलब रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसा क्यों होता है? वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड बिकॉज इट हैज़ फ्लूडिटी ऑल्सो, क्योंकि वो फ्लूड नेचर का होता है जिसकी वजह से वो फ्लो करेगा। ऑल्सो इट हैज़ नो शेप, ना तो उसमें कोई शेप होती है, बट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, बट उसकी वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स्ड होती है। दैट इज़ इट ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ द कंटेनर। मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम है, जिस भी कंटेनर में डालोगे वैसी शेप हो जाएगी। तो इसलिए वाटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। नेक्स्ट, एन आयरन अल्मीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब एक आयरन की अल्मीरा जो होती है वो भी सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर में। अगेन इट हैज़ रिजिड एंड फिक्स शेप। मतलब उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के, वो अच्छे से याद कर लो तो आपको सबकी रीजन ईजिली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज IZ 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब जो आइस होती है वो 273 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होती है कूलिंग में, मतलब ठंडक देने में, देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। लेकिन पानी उतनी ठंडक नहीं देता जितनी आइस देती है। एंड द आंसर इज, आइस एट 273 केल्विन हैज़ लेस एनर्जी। मतलब उसमें एनर्जी कम होती है जब वो 273 केल्विन में आइस प्रेजेंट होती है देन द वाटर। ऑल द बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर, दोनों सेम टेम्परेचर पर प्रेजेंट है, लेकिन वाटर पोजेस द एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन जो वाटर होता है उसमें एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? जब सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में चेंज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हैंस एट 273 केल्विन आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर, इसलिए आइस जो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है कूलिंग में देन वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अगर हमारे हाथ पे या कहीं और बॉइलिंग वाटर गर्म पानी गिर जाए या फिर स्टीम मतलब भाप लग जाए, तो सीवियर बर्न्स किससे ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, पानी से या फिर भाप से? सो इसका आंसर क्या है? स्टीम हैज़ मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। स्टीम में एनर्जी ज़्यादा होती है बॉइलिंग वाटर से। इट पोजेसिस द एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रेजेंट होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या था? लिक्विड टू गैस। फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड। और जो वेपराइजेशन होता है दैट इज लिक्विड टू गैस। देयरफॉर बर्न्स प्रोड्यूस बाय स्टीम आर मोर सीवियर, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए जो उसके बर्न्स होते हैं वो भी ज़्यादा सीवियर होते हैं देन प्रोड्यूस बाय द बॉइलिंग। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द चेंज इन इट स्टेट। अब इसमें ए बी सी डी सारे ये दिए हुए हैं, इसमें हमने फिल करना है कि कौन सी प्रोसेसेस हो रही है। जैसे कि हमें दिया हो सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ए में मेंशन करना है। सो सॉलिड टू लिक्विड मैंने अभी बताया, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। नेक्स्ट इज बी, जब गैस लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। वेपर्स बन जाते हैं ना लिक्विड के, तभी वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज, जब गैस एरो नीचे पीछे की तरफ जा रहा है तो गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंस हो गई है गैस, लिक्विड बन चुकी है तो उसको हम कंडेंस बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। और जब लिक्विड सॉलिड में वापस जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, मतलब सॉलिड बन गया, सॉलिडिफिकेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एरोज लगाए हुए हैं यहाँ पे, एक ई और एक एफ। यहाँ पे क्या होता है, ई और एफ दोनों तरफ क्या हो रही है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मैंने पहले भी बताया था, जब सॉलिड सीधा गैशियस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ई और एफ दोनों में सब्लिमेशन आ जाएगा।